हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल कुकिंग विद दिशा में। तो कल थी मेरी मैरिज एनिवर्सरी 23 जनवरी को, और कल मैंने कैरेट पुडिंग बनाई थी जो सबको बहुत ज़्यादा पसंद आई। तो ये रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी, पर मैं इसका डिटेल में वीडियो नहीं बना पाई। पर मैं इसे बताती हूँ मैंने इसे कैसे बनाया है। और इसे मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई किया था, तो मुझे लग रहा था पता नहीं किसी को पसंद आएगा या नहीं, पर सभी ने बहुत पसंद किया। तो मैंने 7 गाजर को ग्रेट किया और इसे चीनी के साथ 50 ग्राम चीनी के साथ इसे मैंने कुक किया 15 से 20 मिनट तक। और एक तरफ मैंने दूध चढ़ा दिया, इसमें मैंने डाला कस्टर्ड पाउडर 3 चम्मच। कस्टर्ड पाउडर डालने के बाद इसे कंटिन्यू स्टर करेंगे और इसमें हम डाल देंगे चीनी। 1/2 लीटर दूध लिया है मैंने और 1/4 कप इसमें चीनी डाली है, और इसे 4 से 5 मिनट तक हम इसे मीडियम फ्लेम पर बॉईल करेंगे। और ये ठंडा होने के बाद भी थोड़ा थिक हो जाएगा, तो हमें इसका थिक कस्टर्ड बनाना है। अब 15 से 20 मिनट हो गए हैं और गाजर भी कुक हो गई है। इसमें हम थोड़ा सा इलायची पाउडर भी ऐड करेंगे और गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। चीनी के साथ इसे पकाने से क्या होता है कि इसके लच्छे मेंटेन रहते हैं और ये कुक भी अच्छे से हो जाता है, और चीनी के साथ कैरामलाइज होकर के इसका टेस्ट भी बहुत ही बढ़िया आता है। और कस्टर्ड को भी हम पूरी तरीके से ठंडा हो जाने देंगे, तब हम इसे सेट करेंगे। और यहाँ पर मैंने लिया है आइसक्रीम कप, इसमें मैं डालूँगी गाजर। गाजर को इसकी पूरी लेयर बनाना है हमें, तो पहले मैं गाजर ऐड करूँगी और इसे थोड़ा सा प्रेस करके सेट कर दूँगी, ताकि जब हम इसमें कस्टर्ड डालें तो वो नीचे की तरफ ना जाए। तो इसे मैं दबा करके प्रेस करके इसे सेट करेंगे। अब इसमें हमने गाजर की लेयर बना ली है इस तरीके से, और अब हम इसमें कस्टर्ड फिल करेंगे। कस्टर्ड को हमें पूरा भरना है, लेकिन टॉप तक नहीं भरना है, ऊपर से हम थोड़ा छोड़ करके भरेंगे। आप जैसे छोटे ग्लास भी आते हैं कांच के, तो आप उसमें भी इसको सेट कर सकते हैं, या फिर कांच की कटोरियाँ रहती हैं उसमें सेट कर सकते हैं। और ये बहुत ही अच्छा लगता है देखने में भी, और ये खाने में भी बहुत ही टेस्टी लगता है। अब हम इसके ऊपर गाजर की लेयर नहीं लगा सकते, तो हम क्या करेंगे, क्योंकि गाजर को हम प्रेस नहीं कर सकते इसके ऊपर, तो इसके लिए मैं यहाँ पर साइड साइड में गाजर को सेट कर दूंगी आउटर लेयर पर, एक बॉर्डर की तरह इसमें बना लूंगी। और थोड़े से गाजर के लच्छे मैं बीच में भी डाल दूंगी, और फिर इसके ऊपर हम कस्टर्ड फिर से डालेंगे, और इतना डालेंगे कि इसका बॉर्डर मेंटेन रहे। इस तरीके से हम इसमें कस्टर्ड डालेंगे, और इसे मैं गार्निश कर रही हूँ सिल्वर बॉल से, की टॉपिंग्स के लिए रहती है। और आप चाहें तो इसमें ड्राई फ्रूट्स भी काट कर गार्निश कर सकते हैं। और ये लीजिए, बहुत ही डिलीशियस सी कैरेट पुडिंग बनकर तैयार है। और ये देखने में ही खूबसूरत लगने के साथ साथ खाने में भी ये बहुत ही टेस्टी है। तो आप भी अपनी पार्टी के लिए डिलीशियस सी ये कैरेट पुडिंग बनाकर सेलिब्रेट करें। रेसिपी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे बनाकर एंजॉय कर सकें। और आप अपना वैल्यूएबल फीडबैक कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। और अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे कि इसी तरह की और भी नई रेसिपीज़ की वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सकें।